नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। इस समय पूरा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है। कभी लगता है कि हम बचाव की तरफ निकल चुके हैं, कभी लगता है कि अभी कोरोना के चपेट में पड़े हुए हैं। जिन जिन चीजों को लेकर के भारतवर्ष में हमेशा उपहास उड़ाता गया, जिन जिन चीजों को लेकर के भारत के उन विषयों पर कटाक्ष करते गए, खान पान को लेकर के, रहन सहन को लेकर के, हमारी जो पद्धति थी नमस्ते करने को, आज वही पूरे विश्व को बचाने के लिए सामने आ रही है। भारतवर्ष में आयुर्वेद, आयुर्वेद ने जो पहचान बनाई और वह पूरे विश्व में लोग कहते थे कि एलोपैथी हर चीज का इलाज है, लेकिन जिस तरह से कोरोना के लड़ने में आयुर्वेद संजीवनी का काम कर रहा है, हम धन्यवाद देंगे उन सभी आयुर्वेदाचार्य का, हम धन्यवाद देंगे सभी उन डॉक्टरों का जिन्होंने आयुर्वेद को जिंदा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिस तरह से सरकार ने आयुर्वेद को, आयुष को महत्व देते हुए आयुर्वेद पे चलने की बात की है, आयुर्वेद के माध्यम से इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने की बात की है, कोरोना से लड़ने की बात की है, और साथ में आयुर्वेद का जो स्वरूप है उस स्वरूप को जिंदा रखने के लिए आज हर उस आदमी, वह आदमी धन्यवाद का पात्र है जो आयुर्वेद को आज इतनी ऊंचाई पे ले गया है। इन सब के साथ जितने वैद्य हैं, जितने लोगों ने यहाँ पे जड़ी बूटियों के महत्व को समझा, जिन लोगों ने जड़ी बूटियों को सामने लाते हुए उनके साथ उन दवा का इजाद किया जिसपे लोगों का विश्वास नहीं जम पा रहा था, विश्वास को जमाए रखा, वह सारे लोग आज धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से भारतवर्ष में पूरा देश आयुर्वेद को एक तरफ मान के चल रहा था, दूसरी तरफ एलोपैथ पे ज्यादा विश्वास कर रहा था, लेकिन जब कोरोना आता है और पूरा कोरोना आने के बाद हम अपने रहन सहन को, खान पीन को, इन सारे चीजों को जब भारतीय सभ्यता संस्कार से जोड़ते हैं, आयुष से जोड़ते हैं, आयुर्वेद से जोड़ते हैं, तो हमें लगता है कि भारतवर्ष का आज जो कोरोना में विजय की तरफ हम हैं, सारे विश्व में एक नंबर पे अगर भारतवर्ष जीत की तरफ है, तो कहीं ना कहीं हमारा रहन सहन, हमारा खान पीन, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारा हाथ जोड़ना, हमारा नमस्ते करना, हमारा आयुर्वेद पे विश्वास जमाए रखना, यह जिंदा रखा है हम लोगों को। इन सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे, आयुर्वेद को कैसे महत्व दिया गया, प्रधानमंत्री ने आयुर्वेद पे कैसे इतना विश्वास जमाया, बताया, जताया, जिसकी वजह से आज हम ये कह सकते हैं कि हम कोरोना पे विजय की तरफ बढ़ चले हैं और उसमें आयुर्वेद का महत्वपूर्ण रोल भी है। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में जुड़ेंगे प्रसिद्ध वैद्य बालेंदु प्रकाश पद्मश्री हैं, जिनको आप अक्सर टीवी चैनलों पर देखते थे। बहुत बहुत स्वागत है वैद्य जी आपका हमारे साथ। हमारे साथ डॉक्टर नवीन जोशी जी जुड़ेंगे। ये एक ऐसी शख्सियत है, जिन्होंने आयुर्वेद को एक मुकाम दिया और उसके साथ इस लॉकडाउन में जिस तरह से ये फेसबुक के माध्यम से आयुर्वेद को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सर, आप धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम चलते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं वैद्य बालेंदु प्रकाश जी की तरफ। बालेंदु प्रकाश जी, आप लोगों ने आयुर्वेद को एक मुकाम देने का प्रयास किया था, लेकिन सरकारें मानने को तैयार नहीं थी। आज जब कोरोना महामारी की तरह, राक्षस की तरह मुंह बाए खड़ा था, तो लोगों को आयुर्वेद पे, आयुष पे विश्वास जमा, और आज आदमी कह रहा है कि उस आयुष और उस आयुर्वेद की उन पद्धतियों पे चले तभी आप इससे बचाव पा सकते हैं। कैसा लगता है जब ये बातें आपको लगता है कि जिस चीज को जिंदा रखने में आप लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कैसा लगता है जब आज उसी को लोग मानने को तैयार होते हैं? संजय जी, आपने बोला कि हमने आयुर्वेद को मुकाम दिया, मैं इसको उल्टा बोलूंगा कि आज मैं जिस मुकाम पर हूं आयुर्वेद की वजह से हूं।
और दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने आयुर्वेद के लिए कोई हल्ला नहीं किया। हमारे देश के इस समय जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने बगैर किसी को सुने, बगैर किसी को करे, अपने पहले ही उद्बोधन में उन्होंने आयुर्वेद के जो नुस्खे थे, दिनचर्या थी, ऋतुचर्या थी कि बसंत ऋतु है, इस समय गर्म पानी का सेवन करें। तो मैं समझता हूं कि पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने खुले मन से आयुर्वेद को ललकारा और आयुर्वेद के सिद्धांतों को अपनाने की बात की, और उनके सभी को साहस मिला। और क्योंकि कोविड एक सुनामी है, ये एक बीमारी की सुनामी है जो किसी ने नहीं थी, किसी की कल्पना ने भी नहीं की थी कि पूरी दुनिया ठहर जाएगी। कि ये गरीबों की भी है, अमीरों की भी है, बड़े देशों की भी है और छोटे देशों की भी है। तो आयुर्वेद का जो सिद्धांत रहा है, आयुर्वेद का सिद्धांत है स्वस्थस्य स्वास्थ्यस्य रक्षणम्, स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा। तो ये बात इतनी इतनी आसान है कि एक अनपढ़ आदमी भी इसको समझ जाएगा कि एक स्वस्थ आदमी तभी तंदुरुस्त रह सकता है जब उसका सारा सिस्टम ठीक हो, और उससे सारे सिस्टम में इम्यून। एक शब्द, रात को सोने से लेके सुबह उठने तक, शौच लेने से लेके भोजन करने तक, उसमें वेगों का कि छींकना नहीं है, खांसना नहीं है। हाँ, एक समय था जब तथाकथित वैज्ञानिकों ने इस विद्या का मजाक उड़ाया, और जब दुनिया में महामारियां आ रही थी, पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ, उससे पहले तो सारी दुनिया आयुर्वेद से ही जिंदा रहती थी। पेनिसिलिन का आविष्कार हुआ और दुनिया ने सोचा कि हमारी बीमारियों की जड़ बाहर से आने वाली एंटीबायोटिक या वैक्सीन में है, और हम 50 साल में भूल गए कि हमें अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ानी है। तो आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं वो रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने वाले हैं, चाहे वो आंवला हो, चाहे वो हल्दी हो, चाहे अश्वगंधा हो, परंतु आयुर्वेद इनसे भी ऊपर है। मैं रस चिकित्सा कर सिस्टम को जो घरेलू उपयोग की चीजें है उसे कैसे बढ़ाई जाए। हम दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि हमारे साथ दो ऐसी शख्सियत है, आप ऑनलाइन प्रश्न कर सकते हैं जिनका जवाब हम इनसे लेंगे। आप हमारे फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप हमसे प्रश्न कीजिए, हम दोनों बैच जी लोगों से उसका जवाब भी जानना चाहेंगे। डॉक्टर नवीन जोशी जी, जिस तरह से आप इस समय घर बैठ के आयुर्वेद को बढ़ाने का काम, हर आदमी तक पहुंचाने का काम फेसबुक के माध्यम से कर रहे हैं, क्या आपको कभी लगा था कि भविष्य में ऐसा समय आएगा कि घर पे इतने दिन लॉकडाउन की पीरियड में बैठ के हम अपने उस एक्सपर्टाइजेशन को आम आदमी तक पहुंचाने में फेसबुक का और सोशल मीडिया का सहारा लेंगे? जी रंजन श्रीवास्तव जी, बहुत सही आपने प्रश्न उठाया। देखिए, हर हर स्थिति के पहलू होते हैं, या तो एक सकारात्मक पहलू होता है और एक नकारात्मक पहलू होता है। यदि हम घर बैठ के यूं ही नकारात्मकता में रहते तो फिर हम और ज्यादा सोचते रहते और हम नकारात्मकता ही हमें अपने आगोश में ले लेती। लेकिन हमने एक सोचा कि क्यों ना इस नकारात्मकता में से ही कुछ सकारात्मक चीजें निकाली जाए, और हमने सारे वैद्यों को, जितने भी भारत के वैद्य, चाहे पद्मश्री वैद्य बालेंदु प्रकाश हो, चाहे प्रोफेसर उमा शंकर निगम हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, हैदराबाद हो, नेपाल हो, इवन जो है हम भूटान, और आज हमारे साथ एक यूएन के डॉक्टर भी जुड़ने वाले हैं, हमने कम से कम 50 से अधिक वैद्यों को फेसबुक के मंच से 40,000 चिकित्सकों और 40,000 हमारे जो आयुर्वेद के सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कहते हैं कि नुस्खे नहीं बताते। अरे भाई, नुस्खे क्यों नहीं बताते? आज देखो बालेंदु प्रकाश जी, आज निगम साहब, आज ऐसे कितने वैद्य जो है अपने नुस्खे बता रहे हैं। और देखिए, आज आयुर्वेद को पूरी दुनिया मान रही है, योग को तो पहले ही दुनिया मान चुकी थी। सोशल डिस्टेंसिंग की बात मैं संजय श्रीवास्तव जी आपको एक बताना चाहता हूं। जो एक प्रयास पिछले 10 दिनों से किया है कि जितने हमारी ये शख्सियत है, जितने ये हमारे अनुभवी लोग, जी 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 सर, 5,000 साल पहले मैं शुश्रुत ने
कहा था कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने कहा था प्रसंगात गात संस्पर्शनात श्वासात सह भोजनात, यानी कि अगर आप एक साथ रहते हैं, आप एक साथ शेयर करते हैं, अगर आप फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते तो आप एक तरह से संक्रामक रोगों को बढ़ाते हैं। देखिए 5000 साल पहले भी सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई थी और आज उसी सोशल डिस्टेंसिंग को आज COVID-19 संक्रमण में एकमात्र उपचार बताया जा रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो तरह की चिकित्सा सिद्धांत है, वैद्य जी भी इस बात को मानते होंगे। पहला बीजवाद है और दूसरा क्षेत्रवाद है। हमारे शरीर में बीज तो आते रहेंगे, COVID-19 आएगा, कोविड तो पहले से ही था, कोरोना वायरस फैमिली का वायरस कोई आज थोड़ी आ गया, ये तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। COVID-19 उसमें एक नया एक प्रकार का संक्रमण आया, भाई संक्रमण आते रहेंगे। बात तो ये है कि अपने क्षेत्र शरीर को मजबूत रखिए। आज आयुष मंत्रालय ने भी आज इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो है चीजों को बताया है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए करके इलाज करने का तो हमारे वैद्यगण बहुत पुराने समय से करते रहे हैं श्रीवास्तव जी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद डॉक्टर साहब एक प्रश्न डॉक्टर साहब यानी ये अनादि था, नित्य है और आगे भी रहेगा, चाहे कितनी भी थपेड़े आए, आयुर्वेद को मानने के लिए लोगों को मजबूर होना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब एक हमारा प्रश्न है, ये सोशल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन करें कि फिजिकल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन करें? डॉक्टर नवीन जोशी जी, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें कि फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें? जी हमें 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 दोनों ही तरह के डिस्टेंस मेंटेन करने चाहिए, फिजिकल एज वेल एज फिजिकल भी डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। और सोशल डिस्टेंसिंग का अर्थ ये है कि आप अगर समूह में जाकर के कोई कार्यक्रम करते हैं, सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग में आता है। कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग से ही फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है आपकी ओर जाते हैं। तो जब आप सोशल डिस्टेंसिंग इसीलिए कहा गया क्योंकि आपको मेन है कि आपको लोगों के नजदीक नहीं जाना है। 1 मीटर से आप अगर कम दूरी पर रहेंगे और कोई व्यक्ति खांसेगा, कोई छींकेगा, या किसी ने संक्रमण लेके आया है, कोई ऐसी जगह से हाथ टच करके आया है, आप उससे हाथ मिलाएंगे तो वो अननेसेसरी आप संक्रमण के खतरे में जाएंगे। इसीलिए है एक्चुअली फिजिकल डिस्टेंसिंग, लेकिन उसको बड़े स्तर पे सोशल डिस्टेंसिंग नाम दिया गया। पालेंदु प्रकाश जी इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बढ़ाएं? आम आदमी को कुछ पता नहीं है, उसको ये मालूम है, जैसे अब हम लोग आयुर्वेद को जब से जानने लगे हैं तो हमें ये मालूम है कि अगर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहेगी तो कोरोना से COVID-19 से हम अच्छी तरह से लड़ सकते हैं, तो ये इम्यूनिटी सिस्टम हम कैसे बढ़ाएं? देखिए संजय जी, एक होता है आंख वाले को अंधे को रास्ता दिखाना और एक होता है आंख वाले को रास्ता दिखाना। अब दिक्कत यह है कि सारी दुनिया को मालूम है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, पर अब COVID-19 की वजह से नाइट लाइफ खत्म हुई है, नहीं तो लोगों ने सोना ही बंद कर दिया था। अब सुबह उठ के सुबह का सूरज अगर 20 मिनट मिलता है तो विटामिन D3 आज 90% पॉपुलेशन का खत्म हो चुका है, जो कि रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। तो सुबह का 20 मिनट की गुनगुनी धूप अगर हम पूरे देह पे लेते हैं तो ये भी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जीर्णे भेषजम वारी, जिस समय हमारा भोजन जीर्ण हो गया है उस समय खाली पेट आधा लीटर पानी पीना, गुनगुना पानी पीना, ये भी एक औषधि का काम करता है जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ठीक साहब, तो ये दो चीजें जो सुबह की धूप है, सुबह का खाली पेट पानी है, ये आयुर्वेद की एक इतनी आसान पद्धति है जो कि कर सकते हैं। फिर हर घर में, हर भारतीय के घर में तुलसी का पौधा, तुलसी माने माँ, माँ जो हमेशा बचाव करती है। तो तुलसी, मैं तुलसी तेरे आंगन में गाना गाने के लिए नहीं थी, वो तुलसी के गमले की पूजा की गई थी कि अगर हम तुलसी का नियमित सेवन करते हैं, और मैं जानता हूं कि अगर 5 ग्राम सूखी तुलसी आधा लीटर पानी में उबाली जाए और जब वो आधी रह जाए उसमें थोड़ा दूध इलायची वगैरह डाल के अगर इसको पिया जाए दिन भर में, तो ही हम जो ये जो कोविड महाराज आए हुए हैं इनकी महारानी भी आ जाएगी, क्योंकि तुलसी खुद प्रतिरोध शक्ति बढ़ाने वाली है, माता के समान हमारी रक्षा करने वाली है। तो ये 3 उपाय अगर लोग करें कि रात की अच्छी नींद लें, सुबह की 20 मिनट गुनगुनी धूप पूरे देह पे लें, आधा लीटर गुनगुना पानी सुबह ही सुबह उठ के पिए, और उसके बाद तुलसी का सेवन करें, और 2 घंटे के अंदर भर पेट नाश्ता, पर नाश्ते में क्या हो, थोड़ा सा प्रोटीन हो,
जैसे अंकुरित चना मूंग, थोड़े से फलों आजकल के मौसम के, शहतूत, पपीता, संतरा, मौसमी और थोड़ा सा पोहा वगैरह, एक संतुलित भोजन कर लिया जाए अगर सुबह सुबह, तो आहार बॉडी का आयतन है, शरीर का ईंधन है, हमारे शरीर का उपस्तंभ है। तो जब आहार अच्छा होगा, अच्छी धूप होगी, अच्छा पानी होगा और अच्छी नींद होगी आहार के साथ निद्रा, तो ये सब उपाय हमारे करने वाले हैं। उसके बाद आप अभी नवीन जी बैठे हैं, ये तो स्वस्थ व्रत के आदमी हैं, इनका आयुर्वेद में एक चैप्टर है स्वस्थ रहने के उपाय। तो मैं तो बीमार होने के बाद का वैद्य हूं, स्वस्थ रहने का जो उपाय है, मैं समझता हूं कि प्रोफेसर नवीन जोशी जी की मेरे गुरु है इस मामले में, वो इस बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। मैं बीमार होने के बाद इलाज करने की बात बहुत अच्छी करूंगा। पास ऐसे लोग हैं कि जो ये बताएंगे कि आप बीमार मत होइए, और गलती से आप बीमार हो गए तो उसका क्या इलाज है वो भी बताने के लिए है। बालेंद्र प्रकाश जी, क्या अगर मेरे पास तुलसी नहीं है, अगर मेरे पास मान लीजिए धूप में निकलने का, आज का जो माहौल है कि हम लोग ये फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, तो क्या कोई मेडिसिन भी आयुर्वेद में है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं? देखिए, मेडिसिन पर हमने जी के बहुत देख लिया, हम वैक्सीन और एंटीबायोटिक के भरोसे रहे तो उसका नतीजा देख लिया। अब आप फ्लैट में हैं तो बारी बारी से एक फ्लैट वाले को बोलो कि अब मैं धूप में जा रहा हूं, अब तुम धूप में चले जाओ, जो कुदरत का नियम है। देखिए, गंगा जी गंदी पड़ी थी, हम कितने हजारों करोड़ रुपया खर्चा कर रहे थे, गंगा जी के पास जाना बंद कर दिया, गंगा जी ठीक हो गई। जंगल में जाना बंद कर दिया, जंगल में जानवरों की संख्या बढ़ गई। तो कुदरत का जो नियम है, हम मानव बहुत छोटे हैं, हमें कुदरत के ये जो गोली खा के हम वैद्य लोग चिकित्सा कर सकते हैं, आयु के स्वामी नहीं हो सकते। तो इस समय कुदरत ने हमको चेताया है कि हमसे दूर मत जाओ, हमारे पेड़ पौधे सब हवा में झूम रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आज हमने उनके धुआं मुक्त करके प्रकृति दे दी है। तो मैं प्रकृति के बदले में, कोई दवा मेरे पास नहीं है, प्रकृति से बड़ा वैद्य कोई नहीं है। सैकड़ों लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि कांग्रेचुलेशन, वेरी नाइस, गुड डिस्कशन। मैं डॉक्टर नवीन जोशी जी से एक चीज जानना चाहूंगा, जैसा आपने कहा, कैसे ये पता चलेगा डॉक्टर साहब कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है? जी इम्यूनिटी सर, जी जी इम्यूनिटी, इम्यूनिटी सिस्टम के, इम्यूनिटी सिस्टम को आपका सवाल दोबारा पूछना चाहूंगा। जी मैं जवाब दूं इसका, मैं जवाब दूं सर, सर सर चलिए हम, हाँ जी जी सर। अगर देखिए, इम्यूनिटी सिस्टम ठीक है कि अगर आप शाम होते होते थक जाते हैं, एक दो आदमी काम करते, एक थक जाता है, काम करता रहता है, दूसरा आपका मौसम में गला जल्दी खराब हो गया, छींक जल्दी आ गई, एलर्जी हो गई, तो किसी भी तरीके की एलर्जी, सीजनल एलर्जी, कोई कहता है ना मुझे साहब धूप से एलर्जी है, कोई कहता है धूल से एलर्जी है, कोई कहता है मक्खी से एलर्जी है, फूल से एलर्जी है, तो भाई एलर्जी नाम की चीज तब होती है जब आपका इम्यून सिस्टम खराब होता है। तो इम्यून सिस्टम कमजोर होने का पहला लक्षण है कि उस आदमी को जल्दी जल्दी किसी भी तरह की एलर्जी होने लगे या बॉडी में थकान। जी जी जी, मान लीजिए कि सर इम्यूनिटी, जी सर जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि सर इम्यूनिटी वैसी चीज है जैसे हमारे हमारे देश में सेनाएं हैं, सेनाएं हैं जो सुरक्षा करती है, हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करती है, वैसे ही हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम। सर हेलो, जी जी जी, आ रही है आवाज, आ रही है, बोलिए बोलिए। प्रॉपर की है, यदि आपको गाइडेंस प्रॉपर मिलती है तो वही सेना जो है वो दुश्मनों से बदला लेती है, तो वो हमारे घर में घुसने से रोकती है। ऐसे ही हमारे इम्यून सेल्स होती हैं, हमारा शरीर हमेशा वायरस और बैक्टीरियाओं से घिरा हुआ होता है, वायरस और बैक्टीरिया हमारे आसपास हमेशा होते हैं, लेकिन वो हमको हमारे अंदर ही आते हैं, लेकिन हमारी इम्यूनिटी उनको हमारे शरीर में उनकी संख्या को रोकती है, उनके कॉपीज को बढ़ने देती है और उनके लक्षण से रोकती है। आप गौर करें, कोरोना संक्रमण के दौरान भी बहुत लोगों को संक्रमण हो रहा है, संक्रमण का दर बहुत अधिक है, लेकिन आपने गौर किया होगा कि ठीक होने का जो भी अधिक है,
प्रभाव उन पे ही हो रहा है, ये बात पूरी दुनिया मान रही है। और आप भारत में देखें तो भारत की कंपैरेटिवली अगर मौतें कम हो रही है तो उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक ये है कि हमारी जो हर्ड इम्यूनिटी है, यानी जो हमारे अंदर परिवेश कारण जो हमारी इम्यूनिटी है वो उनके तुलना में कहीं अधिक है, क्योंकि हम अपने भोजन में मसालों का सेवन करते हैं, हम अपने दैनिक गतिविधियों में हमेशा इम्यूनो मॉड्यूलेटर तत्वों का लेते हैं। तो इसीलिए सिस्टम को मजबूत करने का कंसेप्ट जो है वो बहुत पहले से है और पूरी दुनिया इसको मानती है और इसी पे काम करना होगा और यही एक सफलता का मंत्र भी है इस वक्त कि विटामिन सी विटामिन डी को अगर बढ़ाया कमजोर हो तो उससे लगता है कि इम्यून सिस्टम कमजोर है, कुछ ऐसा भी है? विटामिन सी सर, विटामिन सी सर, ये विटामिन सी इम्यूनो मॉड्यूलेटर इफेक्ट देता है और चाइना में भी ऐसी रिसर्च हुई है कि उन्होंने जो कोरोना संक्रमित थे उनमें विटामिन सी को अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में शामिल किया है। और सर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारा आयुष मंत्रालय ने जो है अभी गुजरात में वहां की सरकार ने इसको कोविड 19 के मरीजों में जो वैसे हैं जो कॉन्टेक्ट में आए हैं उनमें आयुष की जो हमारी औषधियां हैं उनके प्रयोग के ट्रायल को मंजूरी दी है। ये सब वैद्य जी और तमाम सारे लोगों का जो एक मुखर जो उनका एक आवाज थी जो हमारे वैद्य जी बहुत फेसबुक पे और सोशल मीडिया में उठाते रहते हैं और वो उसका एक असर है कि आज देखिए कोरोना संक्रमित और सस्पेक्टेड रोगियों में आयुष की दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुका है और उसका एक उसके लिए गजट भी नोटिफिकेशन हुआ जिसमें सुधार किया गया है। ज्यादा आपको वैद्य जी बता पाएंगे उसके बारे में। जी पालेंदु प्रकाश जी के पास आएंगे। वैद्य जी क्या इस समय जो जितनी मौत हो रही है, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है मेरा, क्या उस सारी जितनी मौतें हो रही सारी मौतें क्या कोरोना से ही हो रही है? नहीं सर, और हमारे देश में करीब 22,500 मौतें कोविड-19 से पहले रोज होती थी और अभी कोरोना से जो मौत हुई है टोटल वो शायद 400 के आसपास हैं। तो आज भी करीब 21,500 लोग रोज मर रहे हैं और कोविड-19 आने के बाद हमारे देश की मृत्यु दर में करीब 5-6% का फर्क आया है क्योंकि एक्सीडेंट होने बंद हो गए हैं। तो कोविड-19 से नवीन जी ने जैसे बताया कि 80% लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं, अपने आप ठीक मतलब वो बीमारी को लड़ के जीत रहे हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो 3% लोगों की मृत्यु इसमें हो रही है वो थोड़े वृद्ध हैं, रोगी हैं और उसके साथ वो इस वायरस के द्वारा जो उत्पात बताया जा रहा है उसको सहन करने में असमर्थ है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम लॉकडाउन करें परंतु उसके साथ साथ जो 80% लोग इससे ठीक हो रहे हैं हम बाकी जनता को भी उनके समक्ष खड़े करें। तो जो भी उपाय हैं आयुर्वेद के उपाय हैं, जो कुछ घरेलू उपाय प्रधानमंत्री जी 3 बार अपने उद्बोधन में बोल चुके हैं और जब सरकार ने आयुष लोगों को अपना क्लिनिक खोलने की बात करी है तो मैं बताता हूँ सुबह सुबह खाली पेट च्यवनप्राश इतना खाए 2 घंटे तक हजम नहीं हो वो एक आयुर्वेद की रसायन है और रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने वाला है। आमल की रसायन भी एक ऐसी चीज है जो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाली है। त्रिकटू का काढ़ा, आयुष के द्वारा जो दिया गया काढ़ा है, इसके बाद अब ये सिद्ध हो गई है कि जो भी लोग कोविड-19 से पीड़ित है क्वारंटाइन में है और उनको आयुर्वेद के काढ़े दिए गए हैं और उसके साथ उन्होंने प्राणायाम किए हैं, योगासन किए हैं और जो भी चीजें हैं उन सब से उनके अंदर रोग से प्रोप से ना फैले उसके लिए आइसोलेशन करें, लॉकडाउन करें। और इस समय क्योंकि सब लोग अपने अपने घरों में हैं तो मैं कोई ऐसी औषधि नहीं बताऊंगा जो लोग अपने घरों में नहीं ले पाएंगे, परंतु जो काढ़े बताए गए हैं इसके वो आराम से उपलब्ध हैं। हर शहर में जो आयुर्वेदिक क्लिनिक है वो खुले हुए हैं, उनमें लोग जा सकते हैं और उनके द्वारा, और च्यवनप्राश बाजार में अच्छी तरह मौजूद है, पर उसको सुबह ही सुबह खाली पेट खाएं और इतना खाएं कि 2 घंटे तक आपको भूख ना लगे, ऐसा नहीं कि 1 चम्मच खा लिया। तो अगर उसको उचित मात्रा में खाया जाएगा, इस समय जो माहौल है अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ानी है और मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप इससे डरे नहीं, आप 3% मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके खेत में सांप आ गया है तो सांप अपना बिल छोड़ के आया है तो कोशिश करो कि सांप बिल के अंदर जाए, आप बिल के अंदर मत घुसो।
आधुनिक तकनीकी के साथ हम लोग आपके सामने आ रहे हैं, इसलिए थोड़ी बहुत ये जो रुकावट आ रही है या कभी कभी आपको लग रहा है तो माफ कीजिएगा, क्योंकि हम लोग भी कोरोना को लेकर लॉकडाउन की जितने नियम कानून है उसका पालन कर रहे हैं। और डॉक्टर नवीन जोशी जी के पास जाएंगे। डॉक्टर नवीन जोशी जी, आप एक रस विज्ञान की बात करते हैं, आपने एक बार हमको बताया था कि नींद ना आए तो कुछ पॉइंट है दबाने वाले, तो क्या कोरोना में भी कुछ ऐसा निकला है? जी 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 संजय श्रीवास्तव जी, वो मर्म विज्ञान है, और मर्म विज्ञान एक बहुत अच्छा विज्ञान है। इस वक्त जो लोग घरों में अंदर बैठे हैं, वैद्य जी देखिए वो तल हृदय मर्म दबा रहे हैं अपना, तो देखिए ऐसा है कि यदि आप घर में बैठे हैं ये अच्छी चीज है। देखिए श्रीवास्तव जी, इस वक्त में हम लोगों के पास तो काम है, आपके पास मीडिया कर्मी है, आपके पास काम है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं इस वक्त खाली बैठे हैं, उनके मन में जो आ रहा है तनाव आ रहा है कि यार ये 22 दिन हो गए हम क्यों। यस वैद्य जी दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि मेरा जो वीडियो जो रखा है तो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो वैद्य बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं, वो उन्होंने सीखा और उन्होंने शुरू कर दिया। तो देखिए स्वास्थ्य संरक्षण के लिए जो है विद्या बहुत अच्छी विद्या है, और मैं आपको बताऊं विशेष रूप से इसमें कुछ मर्म बिंदु बताए गए हैं जिनका, जैसे प्राणायाम में आप अनुलोम विलोम करें तो आपकी चेस्ट की कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी अच्छी रहती है। देखिए वैद्य जी मणिबंध घुमा रहे हैं अपना, पता है, तो कहने का मतलब है इस वक्त तनाव है, आपके लंग्स की कैपेसिटी है, इन सबको बढ़ाने के लिए हमारे अंदर ऊर्वी आणी मणिबंध ऊपर ऐसे कुछ मर्म बिंदु है अधिपति, जो आपने अभी दिखाया संजय श्रीवास्तव जी, आपने सिर पे अपना हाथ रखा था तो वो अधिपति मर्म आप दबा रहे थे, तो इस प्रकार के यस 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 करेक्ट, पता नहीं आपने, मुझे नहीं पता जहां से बिल्कुल सही वो जो है ये यही चीज है। देखिए हमने आपको नहीं बताया पर आपने कहीं ना कहीं से इन सब चीजों को सीखा है, तो मीन्स आप भी तो ऐसे ही लोगों को ज्ञान जरूर लेना चाहिए इस समय में, और ये अच्छी चीजें हैं क्योंकि हमारे यहाँ पूजा की पद्धतियों में मर्म बिंदुओं को टच करने की बात थी, ये वाइटल पॉइंट्स थे। तो अगर आपको ये, मैं कहता हूँ कि ये ट्रीटमेंट नहीं करेगा तो फिलहाल तो आपको फिजिकली फिट तो रखेगा ना, मेंटली फिट रखेगा। अरे कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ करेंगे तो वैसे ही बिजी रहेंगे आप, तो मानसिक रूप से अवसाद से तो वैसे ही निकल जाएंगे। तो बेहतर है कि आप वैद्य जी की जो द्वारा बताया जा रहा है इन सभी मर्म बिंदुओं का उत्प्रेरण करें। वैद्य जी महान है, वैद्य जी रस वैद्य है, और मर्म चिकित्सा का भी इतना बढ़िया डिमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं, धन्य हो गए वैद्य जी हम आपको पा करके जी। अरे सर आप मेरे गुरु हैं। डॉक्टर नवीन जोशी जी, इस समय पूरा भारत घर में है, और जब घर में है तो बट नेचुरल है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मानसिक रूप से दबाव में है, उसके लिए क्या जरूरी है? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आज ये है, और हम चाहेंगे कि चलते चलते आप दोनों आदमियों से कम आज आदमी घर पे है तो मानसिक दबाव में न आए तो उसके लिए क्या क्या करें, ये बहुत एकदम आराम से बताइएगा सरल भाषा में जिसको हम लोग उपयोग में ला सके। जी संजय श्रीवास्तव जी, बहुत आसान है, आप अगर घर में है चुका कोई बात नहीं, छत होगा जी, छत में आप अगर अपने कदमों से करके चले, अगर आप 4-5 किलोमीटर आप छत पे चले तो आप वही चलना जो बाहर चलते हैं उसको कंपनसेट कर सकते हैं। दूसरा, आप घर के नियमित काम करें। मैंने देखा है वैद्य जी के घुटाई पिसाई कर रहे हैं, तो भाई फिजिकल वर्क हो रहा है इससे, आप घरों का काम करें, घरों में फिजिकल वर्क करें, उससे आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी जो काम सामान्य रूप से नहीं करते हैं। आप किचन में भी कर रहे हैं, आप इस प्रकार से आप किया, और मैं उनको रूप पे लाने लग गया नहीं कर रहे हैं तो घरों में बैठे खाने पे ही चलन ध्यान दें, भोजन का रखें, फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं भूल करके भी ज्यादा खा लेंगे तो ज्यादा क्योंकि
डॉक्टर नवीन जी ने जो बताया उस समझ में तो आ गया, दरअसल उनकी वीडियो नहीं चल पा रही है, तो हम चाहेंगे कि जो इस समय माहौल है, हर आदमी घर में है, आदमी 10-10 घंटे बाहर रहता था और आज अगर घर में बैठा हुआ है तो बट नेचुरल परिवार के साथ बैठा हुआ है, जो उसके परिवार के लोग है वह तो उसी रोटीन वर्क में है, पत्नी रोटीन वर्क में है, बेटी रोटीन वर्क में है, बेटा भी रोटीन वर्क में, लेकिन आदमी 8-10 घंटे घर में रह रहा है, हो सकता है अभी नहीं कुछ दिन के बाद मानसिक दबाव में आए, हो सकता है डिप्रेस्ड हो, तो ऐसे में आयुर्वेद के माध्यम से हम चाहेंगे कि सरल भाषा में आप हमारे दर्शकों को बताएं कि हम कम से कम उस दबाव में न आने पाए और इस लॉकडाउन को इंजॉय भी करें, स्वस्थ भी रहें। देखिए आप ये सवाल बहुत गलत आदमी से पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं इस समय 2 साल ही देहरादूनी छोड़कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरिया में एक खेत ध्यान में रह रहा हूँ, तो मैं 11 एकड़ के कैंपस में रहता हूँ, फुलवाड़ी है मेरे पास गाय है मुर्गियां हैं, तो मुझे तो लॉकडाउन में आनंद के अलावा कुछ नहीं हो रहा, मानसिक तनाव क्या है, यहाँ तो विश्राम है, उल्टे सेहत अच्छी हो गई है, शुगर भी कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर भी